हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन आरके स्टोर। आई एम डॉक्टर आरके सैनी और मैं आज आपको नीट एग्जामिनेशन जो होने वाला है आपका 5 मई को, उसके लिए एक और पेपर अपलोड कर रहा हूँ। आप उसको एक बार चेक कर लें और उसको सोल्व करूँगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको दे दें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर नंबर है 12, ठीक है। आज तक मैं आपको इस समय इस ईयर के लिए 11 पेपर में आपको डाल चुका हूँ। कंप्लीट केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें इक्वली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल उनके सभी क्वेश्चन बराबर हर चैप्टर से लगभग चैप्टर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इस पेपर को करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बताएंगे, मैं इसकी की भी आपको डाल रहा हूँ। ये पेपर नंबर 12 है जिसकी ये की है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आता हूँ। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, सर्टेन मास ऑफ द सब्सटेंस डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, दे रखा 1.28 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ मास है किसी सब्सटेंस का, कितना किसमें डिजोल्व कर रखा है आपने उसको 100 ग्राम बेंजीन के अंदर, ठीक है। जिससे डेल्टा टी है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दे रखा है आपको 1.28 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। द सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इतना ही अमाउंट, यही वह अमाउंट, ठीक है, इसको डिजोल्व कर रखा है 100 ग्राम वाटर में। सॉल्वेंट का वेट उतना ही, ठीक है, पहले सॉल्यूट का वेट था, अब सॉल्वेंट बदल दिया लेकिन अमाउंट वही ली 100 ग्राम। उससे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कितना हो गया था आपके पास में 1.40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी एफ दे रखा है, ठीक है ना। अब पूछा है आपसे, अब पूछ रखा है इफ सब्सटेंस हैज नॉर्मल मॉलिकुलर वेट इन बेंजीन, इसमें तो वो रहता है बेंजीन में नॉर्मल, ठीक है, एंड इट्स कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, इस वाटर में हो जाता है वो आयोनाइज। तो आपसे ये पूछा है हाउ मेनी आयन डज डिसोसिएटेड इन टू वाटर, ठीक है, केफ दो रखा है। तो अब आपको पता है कि साहब यहाँ पर वन टाफ फैक्टर लगेगा, तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इन टू एम। अब सबसे पहले इसका बेंजीन का वैल्यू रख देता हूँ, ये थी साहब डिप्रेशन 1.28, दूसरे से डिवाइड कर देता हूँ 1.4, ठीक है, इक्वल्स टू पहले का बेंजीन में आई कितना है 1, के एफ दे रखा है बेंजीन का, ये रहा बेंजीन का के एफ गिवन है 5.12। इसी तरह से इसमें आई, वाटर के अंदर आई आपसे पूछा है कि कितने पार्टिकल, ठीक है, वन टा फैक्टर आई, और वाटर का आपको के एफ दे रखा 1.86। अच्छा, मोलेलिटी सेम है इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये उसका वेट था, ये उसका मॉलिकुलर मास था, ठीक है, सॉल्वेंट का मास 100 ये सब में, ठीक है, और ये मॉडलिटी है, तो इसमें एम तो रहेगा सेम, इसलिए इसको आगे कट कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर यदि लिखना चाहो तो कुल मिलाकर आपको ये आई फाइंड करना है। तो आई फाइंड करोगे तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास में 1.4 इंटू 5.12, इनको तो मल्टीप्लाई करो, और आई के लिए इसकी वैल्यू को 1.28 इंटू 1.6, ये लो साहब इसको 86 ये सॉल्व कर लो, आपके पास में आई आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी आपके पास में 3। क्लियर, कुछ नहीं था। अब इस क्वेश्चन को आप एक बार आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं एग्जाम में, अच्छी तरह जब समझ बैठ जाता है तो आंसर एकदम सही आ जाता है, और पॉजिटिव अप्रोच से कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, सब समझ के करना, जल्दीबाजी नहीं कि साहब इतना बड़ा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, अरे सिंपल, बहुत सिंपल होते हैं, ध्यान रखना नीट में तो बड़ा क्वेश्चन पूछता ही नहीं कोई, ठीक है। बेरियम सॉलिड बेरियम नाइट्रेट ग्रेजुअली डिजोल्व इन 1×10⁻⁴ एम सोडियम कार्बोनेट। अब समझो क्वेश्चन को, ये साहब सोडियम कार्बोनेट का कोई सॉल्यूशन है, इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है, इसमें धीरे 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 क्या डाल रखा है, बेरियम नाइट्रेट, ग्रेजुअली का मतलब धीरे 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 सॉलिड था ये, ऐड करने शुरू कर दिया। आपसे पूछिए साहब इसके अंदर कितनी हो जाए बेरियम की कंसेंट्रेशन जिससे प्रेसिपिटेट शुरू हो जाए, तो आप के एस पी निकाल लिया करो, के एस पी क्या है, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है, उसके बाद जैसे भी आप थोड़ा सा भी ऐड कर दोगे तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो लो साहब ये कुछ भी नहीं करना था मुझे, तो देखो के एस पी आपको दे रखा है, लिख दिया मैंने 5.1×10⁻⁹ डिवाइड कर देता हूँ उस सॉल्यूशन में इसकी सोडियम कार्बोनेट की कंसेंट्रेशन से, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट लिखना, कार्बोनेट की कंसेंट्रेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 1×10⁻⁴ दे रखी है, सोडियम कार्बोनेट की दे रखी है, वही कार्बोनेट आयन की होगी, स्टोइकोमेट्री बन गई है इसकी, तो डिवाइड कर दीजिए साहब इससे 1×10⁻⁴ से, क्या आ जाएगी आपके पास में बेरियम की कंसेंट्रेशन, जो किसके अंदर आएगी, आई सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, यानी यहां के बाद अब प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, तो 5.1×10⁻⁵ इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। लो जी कुछ नहीं किया मैंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक मोल कंसेप्ट से, स्टाइकोमेट्री से, वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन,
ये पूछा है इसमें हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ मोर सॉल्ट। ये फॉर्मूला भी दे रखा है। पहले आप समझो, 1 मोल मोर सॉल्ट में देखो तो देखो 8 तो ये रहे हाइड्रोजन के एटम और 12 ये रहे, यानी कुल मिलाकर 1 मोल में 20 है। 12 तो इस जगह है, 6H2 में 8 यहाँ पर है, तो 1 मोल में कितने हैं 20 एटम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको कितने मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 2 × NA से मल्टीप्लाई कर लेना। ये नहीं, 1 मोल में सुनो, 1 मोल में हाइड्रोजन के मोल हैं साहब कितने 20, 0.1 में कितने हो जाएंगे इतने मोल, और जब कोई एटम पूछेगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा NA से, तो आंसर हो जाएगा 2NA। लो साहब क्वेश्चन नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 1 ग्राम ml। ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, इट्स वॉल्यूम दे रखा 0.1। अब वाटर है ध्यान रखना आप, और गैस नहीं है ध्यान रखें, वाटर लिक्विड वाटर डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो इसका पहले तो आप इसका मास बताना लो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी 1 है तो जो वॉल्यूम दे रखा वही मास है, कितना हो गया था 0.05 ml दे रखा, तो 0.05 ग्राम ही हो गया, डेंसिटी 1 है, डिवाइड कर लो उसको 18 से, क्या बन गया अब आपके पास में मोल, क्या बन गया मोल। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या पूछा क्या चीज है आपसे, रूम टेम्परेचर पर इसके मॉलिक्यूल्स, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए एनए से, आपके पास में आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूल का, समझ गए। तो 0.05 था, इसको आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा इसका 1.6, से 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 10 की पावर 23 ले लिया करो। ठीक है, इस पॉइंट से आप ये 2 पॉइंट कम कर देंगे तो ये 21 हो गया, ये 3, और 5 को 3 से डिवाइड कर लो तो 1.6 के आसपास, 1.6 × 10 की पावर 21 इसका आंसर आ जाएगा। लो फर्स्ट आंसर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनएच फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 200 ml ऑफ 1 MH2SO4। अब आप ध्यान रखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया करो, जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के होंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट बेस के चाहिए, क्योंकि ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि रिएक्टेंट और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो या रिडॉक्स रिएक्शन हो, बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, H2SO4 के NV/1000, ये ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, सॉल्यूशन में रख रहा हूँ वैल्यू, तो N दे रखा है आपको 1, इसको एक्सपेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो गया N, वॉल्यूम कितना दे रखा था 200 ml, डिवाइड कीजिए 1000 से, ये किसके आ गया आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के, NaOH के भी इतने ही होंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये भी है कि ग्राम में वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है NaOH का 40। लो साहब देखो, ये 2 इससे कैंसिल कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, तो 4 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो आंसर 16 ग्राम, आंसर क्या आएगा 16 ग्राम, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है, जीओसी से लिया गया है, स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंडों के बारे में देखो, रेजोनेंस से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। सबसे पहले देखिए आप, ऐसी कोई स्पीसीज देखो जिसमें बैक बॉन्डिंग से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, तो 2 स्पीसीज है, एक तो फर्स्ट को देखो, एम्प्टी ऑर्बिटल जहां पर है उसके पास में एक एटम जुड़ा हुआ है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक फर्स्ट, एक ठीक उसी तरह से एक थर्ड को देखो, तो ये 2 स्पीसीज ज्यादा रहेंगी। अब इनमें भी चेक कर लो, ये कौन सा है आपके पास में टर्सरी, ये कौन सा है सेकेंडरी, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हुई किससे, थर्ड से, पहली लाइन फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हुई थर्ड से, और ये 2 औरों से ज्यादा, फिर इनमें बैकबॉन्डिंग है नहीं, ये सेकेंडरी है, ये साहब आपके पास में सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, ये प्राइमरी, लो साहब ये इसका आंसर है, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, ऐसा कोई ऑप्शन होगा फर्स्ट सेकेंड, ये फोर्थ आंसर। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम वेट अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग, किस में ज्यादा है, तो 3 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। पहले आपको पता है ना ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखना, ग्राम मॉलिक्यूल मोलर स्पीसीज के मोल को कहते हैं, तो इसका मतलब है 3 मोल्स मीथेन, 3 मोल्स मीथेन का मतलब 1 का मोल का मतलब होता है 16 ग्राम, तो ये 48 ग्राम हो गया। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ H2, और H2 का मोलर मास 2, तो ये हो गया 10 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ सोडियम, ये ग्राम में दे रखा है, ये भी ग्राम में दे रखा है आयरन, इसलिए सबसे आंसर आया फर्स्ट 48। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, अब देखो एक पैरामीटर सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, पैरामीटर पूछे आइडियल सॉल्यूशन बनने पर कौन सा करेक्ट है, पहला डेल्टा वी, बिल्कुल सही है, चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 होता है, एंट्रोपी बढ़ती है, ध्यान रखना मिक्सिंग, आपको मैं समझा देता हूँ इसको, ये गलत कर देते हैं स्टूडेंट जनरली। ठीक है, एंट्रोपी रेंडमनेस को कहते हैं, आप समझिए, ये आपके पास में 2 लिक्विड थे, ये ए लिक्विड है और ये बी लिक्विड है, लिक्विड अभी सॉल्यूशन नहीं, आप जब सॉल्यूशन बनाओगे
तो इनको मिक्स करोगे। अब जब मिक्स कर दोगे तो ये कंडीशन आएगी, समझिए आप, ऐसी कंडीशन आएगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज। तो ध्यान रखना कि जो एंट्रोपी का साइन है सभी में, चाहे वो आइडियल बने, पॉजिटिव डेविएशन का बने या नेगेटिव का, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। रेंडमनेस को कहते हैं, और किसी का मतलब नहीं है, रेंडमनेस इंक्रीज होती है। इसलिए डेल्टा वी आइडियल सॉल्यूशन के लिए चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन एंथैल्पी 0, एंट्रोपी चेंज सबके लिए पॉजिटिव, ध्यान रखें पॉजिटिव, ठीक है। और डेल्टा जी सभी के लिए क्या होता है, नेगेटिव स्पॉन्टेनिटी। तो ऐसे इसमें साइन चेक कर लो। तो एंट्रोपी तो क्या करनी है आपको, पॉजिटिव, और फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव, बस, ठीक है, नेगेटिव बस, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, इनको थोड़ा ध्यान से देखें आप, सोल्यूशन के हैं पैरामीटर है थर्मोडाइनेमिक। क्वेश्चन 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, तो एन प्लस एल रूल लगा के देख लिया करो, एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल ये कहता है कि जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा हो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, यदि एन प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो तो एन चेक कर लिया करो, जिसमें केवल एन की वैल्यू ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो देखो आप, 4P, 4D और 5F चेक करो, यहाँ पर एन प्लस एल कितना है, 6, यहाँ पर भी 6, लेकिन जिसमें एन की वैल्यू चेक करो, और यहाँ पर एन प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 5, आंसर थर्ड, चेक कर लेना सबको। हाँ, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, कीटोन की रिएक्शन है, देखो ध्यान से, ब्यूटेनॉन की रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्या है यहाँ पर, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और फिर हाइड्रोलिसिस करना है। तो आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सबसे पहली लाइन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो ऐसे बनेगा। देखो एक बार, ओ पाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जोड़ दोगे आप फिनाइल, पूरा कर रहा हूँ मैं, और ये इथाइल लगा हुआ है, ठीक है, ओ एम जी एक्स को जोड़ देंगे, फिर क्या कर देना आप, हाइड्रोलाइसिस कर देना एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में। आप चेक कर लेते हैं, पहली इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही है, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, इसको सोचिए आप, क्योंकि यहाँ पर क्या बनना था आपके पास में, जैसे ही डबल बॉन्ड ओपन होता है तो कैटायन के करेक्टर आते हैं, इसलिए जो ये न्यूक्लियोफाइल है अबो एंड बिलो दोनों पार्ट में जुड़ सकता है, इसलिए रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, सही है लाइन। फिर लिखा है प्रोडक्ट इज टर्शियरी एल्कोहल, हाँ साहब प्रोडक्ट टर्शियरी एल्कोहल है, तो सभी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखें कीटोन का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्वेश्चन आते रहते हैं वहां से, खूब कैसे बना लेता है एग्जामिनर। आप भी सोचो, फिर इन विच सेल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 3.1 × 10^-34 kgm² per second, ठीक है, सेल बतानी है। तब आपको पता है कि एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम है, इक्वल होता है NH/2π, कुछ नहीं करना है, बस पूछा है कि किस सेल में एन की वैल्यू है, तो मैं कर देता हूँ, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम इंटू 2π/H, ठीक भाई, अपोन एच किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, एन की, रख दो वैल्यू, एम वी आर तो दे ही रखा है आपको, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है कितना, 3.16 × 10^-34, 2 और पाई की वैल्यू आप जानते हो 1.3.14, और एच की वैल्यू दे रखिए 6, देख के रखिए आपको भी याद होनी चाहिए, 6.6 × 10^-34 जूल सेकेंड। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, ये कैंसिल वेंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास में, 3। तो आंसर था इसका, थर्ड सेल में होता है हाइड्रोजन एटम में ये वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक, एंगुलर मोमेंटम आपको दे रखा है, पूछा है इन विच सेल, किस सेल का है, तो बोल थर्ड सेल का है, एन निकालना था। क्वेश्चन नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन 12 केमिकल काइनेटिक्स का, बढ़िया रिएक्शन है, एक रिएक्शन दे रहा है, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, जल्दी मत कर देना, ये भी गैस है, 4 क्यू बन रहे हैं वो भी गैस है, और आर गैस बन रहा है, और एक और लिख रखा है वैसे वो लिक्विड, जिसका प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, समझा देता हूँ आपको, वो लिक्विड है, तो रिएक्शन इतनी रहेगी, अब समझना ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आफ्टर 10 मिनट, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन इन क्लोज वेसल द टोटल प्रेशर डेवलप फाउंड टू बी 3, 3, यानी 10 मिनट बाद, टी दे रखा है 10 मिनट, उसके बाद में टोटल प्रेशर कितना है, 330 mmHg, और पढ़ो आगे, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम का मतलब जब ये पूरा 100% होता है, इनफाइनाइट जिसको कहते हैं, उस पर टोटल प्रेशर कितना है, 600 mmHg, ठीक है। तो आपको इसका रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट केपी फाइंड करना है, तो पहले समझो आप प्रेशर के टर्म में केपी, तो मैं इसको एक स्टोइकोमेट्री लिखना सिखा रहा हूं आपको, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो चाहो तो इसके अकॉर्डिंग लिख लिया करो, स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग, या पी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात है साहब, इसका प्रेशर मैं होल इसको के लिए लिख लेता हूँ, इनिशियल प्रेशर बोल देता हूँ इसका 2p0, इसका प्रेशर कितना बोल दिया, 2p0, ठीक है, एट जब रिएक्शन हुई किसी टाइम टी पर, 10 सेकेंड पे बोलता हूँ, तो आप लिखते हैं 2p0 -2x, देख लेना ध्यान से,
यहाँ पर लिख देते हैं 4x और यहाँ पर क्या लिख देते हैं x, और इसका प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं क्योंकि वो लिक्विड है। अब बोलते हैं लॉन्ग टाइम पर, बाद में लॉन्ग टाइम पर ये खत्म हो जाता है। स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग ये जब आपने इनिशियल 2p नॉट लिखा था तो आपको ये 4p नॉट लिखना होगा, दो के एक एक के लिए p नॉट है और इसके लिए लिख देंगे p नॉट। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो 4p नॉट लॉन्ग टाइम पर प्रेशर दे रखा है, टोटल कितना 600 mmHg, ये रहा लॉन्ग टाइम पे टोटल प्रेशर 5p नॉट। 5p नॉट इक्वल्स टू 600 और p नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास में 120, समझ गए हो, एक लाइन। दूसरा दे रखा है 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट पर टोटल इनको ऐड कर लो, प्रेशर के टर्म में ही कर लो इनको ऐड। तो ये हो गया साहब आपके पास में, देखो ये हो गया 2p नॉट प्लस 3x इक्वल्स टू कितना दे रखा है 330। इसमें से p नॉट 2p नॉट की वैल्यू कम कर दो तो 3x इक्वल्स टू 330 माइनस 2p नॉट की वैल्यू, एक p नॉट की वैल्यू 120 है तो ये हो जाएगी 240। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x की आपके पास में 90 एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। लो जी यहां तक मैंने कर दिया है x की वैल्यू, अब काइनेटिक्स लगा देता हूं उसकी, ठीक है कुछ नहीं था। देखो अब इसको केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो लगाते हैं। देखो KT इक्वल टू 2.303 लॉग, यहाँ लिखेंगे इनिशियल प्रेशर, प्रेशर के टर्म में लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे प्रेशर आफ्टर टाइम टी। इनिशियल प्रेशर लिखा है आपने 2p नॉट और टाइम टी पर प्रेशर है ये, मैं रखता हूँ वैल्यू। देखो अब आप के टी की वैल्यू तो लिख रखी है 10 मिनट, ठीक है 2.303 लॉग। इनिशियल प्रेशर के क्या बोला है आपने 2p नॉट, तो 2p नॉट की वैल्यू लिख देता हूँ, p नॉट आया था आपके पास में 120, ये हो गया 240। पीटी कितना लिखेंगे 240, देखो ध्यान से 240 माइनस 2x और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो जब इसमें से 60 सब्सट्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 180, ठीक है। अब कुछ नहीं, देखो ये इससे कैंसिल और ये 4 और ये 3, लॉग 4 की वैल्यू आप सब जानते हो 0.6, 3 की वैल्यू सब जानते हो 0.47, इसको सब्सट्रेट कर लो तो ये वैल्यू आ गई था आपके पास में के की 2.303 इंटू ये वो लॉग है ना, लॉग 4 माइनस लॉग 3 कोई नहीं देगा, आपको ध्यान रखना है कितनी वैल्यू हो गई पॉइंट की 0.13, ठीक है। डिवाइड बाय कितने से कर देना 10 से, ये आपका के आ जाएगा रेट कांस्टेंट, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आंसर है 3rd, ठीक है। ऑन पासिंग 2 फेराडे चार्ज थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 देन 2 ग्राम गैस इवॉल्व एट द कैथोड। अब दो क्वेश्चन हो गए, दो क्या क्या ही क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, ठीक है समझना। पहले तो सबसे पहले तो ये है कि एक्वस सॉल्यूशन में जब अपन करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो कैथोड पर गैस कौन सी बनती है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। फिर पूछिए इन्होंने कहा 2 ग्राम गैस बनती है तो करंट एफिशिएंसी कितनी है, कि कितना परसेंट एफिशिएंसी का करंट है, 100% है या कोई वेस्टेज हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले MgCl2 के एक्वस सॉल्यूशन की बात करो तो कैथोड पर मैग्नीशियम आयन डिस्चार्ज नहीं होता, बल्कि क्या होता है H+ आयन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है, ध्यान रखना आप, इसलिए कौन सी गैस बनती है H2। आप पूछ रहे 2 ग्राम बनी हुई है तो आप सुनो ध्यान से, तो हाइड्रोजन का H2 गैस का 1 ग्राम किसके बराबर होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट के, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना चाहिए 1 फेराडे। तो मैं समझो 1 फेराडे पास करता तो 1 ग्राम बनती, जब 2 फेराडे पास किया तो कितनी बनी हुई 2 ग्राम, इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी है 100%, कोई वेस्टेज नहीं, आंसर फर्स्ट 100%, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14। एक रिएक्शन दे रखा है, केसी दे रखा है आपको 2.5 500 केल्विन पर, केपी बताना है, कुछ नहीं करना है, केपी इक्वल टू होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, गैस में लेना है तो रिएक्शन में डेल्टा एनजी चेक कर लो, प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं 3 मोल, रिएक्टेंट की तरफ कितना है 2, तो 1 हो गया डेल्टा एनजी। तो बस वैल्यू रखनी है आपको, केसी की वैल्यू दे रखे 2.5, आर की वैल्यू ध्यान रखो कितनी होती है लिटरेटिव में 0.0821, डे टू डे लिया करो, इनटू टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में लेना है 500 केल्विन, ये आपका आंसर आ जाएगा ATM में, समझ गए, सॉल्व कर लेना, आंसर फर्स्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 बढ़िया क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से ही लिया गया है। देखो आपके 12th में फिजिकल के 3 चैप्टर हैं, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तो, और एक क्या है आपके पास में सॉल्यूशन, तो उनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। T1 एंड T2 आर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चेंजेज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एस, यानी ए की कंसेंट्रेशन ऐसे चेंज हुई, देखो एक बार ध्यान से, उसके लिए टाइम है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन थी कितनी 0.8 m,
इसमें कन्वर्ट हो गई 0.4 m में, इस टाइम का नाम है T1, और जब 0.4 से ये कन्वर्ट हुई 0.2 में तो इस टाइम को क्या कहते हैं वो T2। तो देखा जाए तो दोनों हाफ लाइफ हो गई भाई, T1 भी हाफ लाइफ है T2 भी। पीछे पूछा ही था बताओ करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ का रिलेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन से ये होता है, चेक कर लो आप, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन माइनस वन के। ठीक है, जब मैं जीरो ऑर्डर लिखूंगा, एन की वैल्यू जीरो लिखू जीरो लिखूंगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन। अच्छा तो फोर जीरो ऑर्डर, देखो अब आप समझे, जीरो ऑर्डर के लिए एन की जगह आप जीरो लिखो तो क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, जितनी इनिशियल कंसेंट्रेशन ज्यादा उतनी हाफ लाइफ भी ज्यादा, इसका मतलब जीरो ऑर्डर के लिए टी वन की वैल्यू टी टू से ज्यादा आएगी। ठीक है, अब उसको याद करो आप किसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर वन लिखेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट आ जाएगी, इसका मतलब कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए दोनों ही बराबर रहेंगे। तो पहला टी वन टी टू आर इक्वल फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सही है। ठीक है, टी वन ग्रेटर देन टी टू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखो, अब यदि आप इसको सेकेंड ऑर्डर लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे टू, जब यहाँ टू लिखेंगे तो आपको पता है कि कैसे हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। ठीक, तो ये तीनों ही सही थे आपके पास में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिनमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं होती, छोटे से आंसर होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जिसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस की 11.7 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केल्विन पर मोल, और एंट्रोपी दे रखी है इसकी 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, आप पूछिए बताओ इस टेम्परेचर को ही दे रखा है आपको 25 डिग्री, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब वैसे ही सुन लो, जब डेल्टा एच दे रखा हो नेगेटिव और डेल्टा एस दे रखा हो पॉजिटिव तो डेल्टा जी की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्या आती है, नेगेटिव ऑलवेज एंड एज स्पॉन्टेनियस। ये लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया है, बॉन्डिंग से, बिल्कुल छोटा चैप्टर। देखो क्वेश्चन पूछा है विच सेट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। तो देखो बोरोन फैमिली के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सेप्शन हो गया किसका, ऑक्टेट रूल का, जिसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होनी चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 17 का आपके पास में 2। क्वेश्चन नंबर 18 दिखा रहा हूं, देखो बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कुछ ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज इन गैसेस स्टेट, इंक्रीज नहीं है ये साइज, कहते होता है डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस साइज इन गैसेस स्टेट, यानी आपके पास में फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, बी, फर्स्ट का आंसर बी। ठीक है, तो फर्स्ट के आंसर बी की बात करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड में से कंसेंट्रेट करना शुरू कर दो आप। ठीक है, आयो सल्फर ये क्या लिख रखा है, आप देखो इसके अंदर इंक्रीज साइज इन गैसेस स्टेट, इंक्रीज नहीं है, आपको बता देता हूँ सबसे ज्यादा साइज किसका रहेगा, आई माइनस का, क्योंकि ये फिफ्थ पीरियड का है, ये थर्ड का है, ये सेकंड का है, तो गलत लिखा हुआ है, डिक्रीज साइज इन गैसेस स्टेट, हाँ हो सकता है तीसरा इंक्रीज साइज इन एक्वस स्टेट, इंक्रीज साइज इन एक्वस स्टेट, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जो छोटा रहता है ना आयन, छोटा हो और जिसपे चार्ज, इनका साइज ऐसे है, मैं आपको समझाऊंगा, आई ये साइज है गैसेस स्टेट में। ठीक है, यानी ये सॉरी उल्टा लिख दिया है, गैसेस स्टेट में ये साइज है इनका, अच्छा ये सबसे छोटा है, चार्ज ज्यादा है। अच्छा अब जब आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, इसलिए सबसे बड़ा साइज आएगा इसका, ध्यान रखना, जो एनायन या कैटायन छोटा हो और चार्ज ज्यादा हो तो वो क्या होता है, हाइड्रेटेड ज्यादा होता है, और जो हाइड्रेटेड ज्यादा होता है तो वो लार्जर साइज का हो जाता है। तो इसके लिए ये क्या नाम से थर्ड में सी देखो, इंक्रीज साइज इन एक्वस स्टेट सही है। ठीक है, दूसरा ओ माइनस ए, ठीक है क्या लिख रखा है, इंक्रीज साइज इन गैसेज स्टेट, हाँ साइज बढ़ रहा है गैसेज स्टेट में अंदर। ठीक है, और ये भी देख सकते हो आप एफ, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो रहा है यहाँ पर, कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, तो जिसपे एन आयन वो क्यों अट्रैक्ट करेगा, और ये लिख रहा है सेकंड आयोनस एनर्जी, सेकंड आयोनस एनर्जी का ऑर्डर सही है, नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरिन की, फ्लोरिन से ज्यादा ऑक्सीजन की। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनस एनर्जी, ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आपके पास में थर्ड आ जाएगा। अब आप इनको मैच करके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन इनकरेक्ट बन जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन में सभी सही है। अमंग द फॉलोइंग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है आपको। अब इस क्वेश्चन को बढ़िया जानबूझ के लिखा गया है, देखो एक बार, सबसे पहली लाइन, एक तो फॉर्मिक एसिड, एक बेंजोइक एसिड है। सबसे पहला मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो फॉर्मिक एसिड है
ये जो फॉर्मिक एसिड है, एरोमेटिक जो एसिड होता है बेंजोइक एसिड, उससे भी ज्यादा स्ट्रोंगर होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। क्योंकि इसमें बेंजोइक एसिड में दो तीन बात होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और यहाँ पर भी जो ये होता है कार्बोक्सिलेट, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए बेंजोइट आयन की स्टेबिलिटी फॉर्मेट आयन से थोड़ी कम होती है, फॉर्मेट यानी फॉर्मिक एसिड का। आप यहाँ पर सुनो, देख ध्यान से, एसिटिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट कम हो गया, तो ध्यान रखो ये जो आपके पास में माइनस आई इफेक्ट, जब एल्फा तक हो यानी कुल मिलाकर जहां पे जुड़ा होता है एल्फा, समझ रहे हो, और ये लिख रखा है बीटा, उससे भी आ गए, इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है 3 के बाद। इसलिए इनमें जब दोनों की बात करूंगा तो फॉर्मिक एसिड ही आएगा। आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं इस तरह के खूब, ठीक है। तो चेक कर लेना कि आप ध्यान रखना कि जब ये जो माइनस आई इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होता चला जाता है डिस्टेंस बढ़ने पर, और करीब 3 के बाद खत्म हो जाता है, 3 के बाद ये तो खत्म, और प्लस आई के यानी जो एल्काइल ग्रुप है उनका लगने लग जाएगा, इसलिए आंसर इसमें सेकंड लिखेंगे आप। फिर लिखेंगे क्वेश्चन 20, इनकरेक्ट स्टेमड अबाउट द लेंथेनोइड। देखो लेंथेनोइड के बारे में इनकरेक्ट, देखो समझाता हूँ। पहला, दे लिबरेट एच टू गैस विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, बिल्कुल मेटल है आपको पता है ये लेंथेनोइड, और जब आप एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो इनका काम तो यही होता है साहब, किसमें बदल जाते हैं ये +3 में, +3 बोर कॉमन है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जैसे ही एच प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसमें बदल जाती है वो एच टू गैस में, तो सही लाइन है साहब पहली, ठीक है। देयर लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक, बिल्कुल मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक एस ब्लॉक के जैसे, क्योंकि तो ये भी तो बहुत लार्जर साइज के, +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयनिक नेचर की होती है, ठीक है। अच्छा, सीरियम +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है, क्योंकि तो आपको पता है कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है एफ ब्लॉक की, वो कौन सी है आपके पास में, +3, तो जब सीरियम +4 की बात करेंगे तो ये बहुत इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, बिकॉज +3 इज मोर कॉमन या मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल लेंथेनाइड्स, वो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वजह से +4 बना लेता है, बाकी किस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, +3 में, इसका मतलब रिडक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, जिसका रिडक्शन हो जाता है क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड्स आर कलर्ड, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखो आप ध्यान से, ऑल ट्राई पॉजिटिव उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं, जैसे लास्ट एलिमेंट की बात ही करता हूँ मैं लूटेशियम की, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको बता दू, जीनोन 4F से इलेक्ट्रॉन निकल गया है इसका, समझ गए, 4F14 है सॉरी, और 5D से इलेक्ट्रॉन निकल गया और 6S से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बना हुआ है, तो जब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कलरलेस, तो ये गलत लिखा हुआ है, ऑल ट्राई पॉजिटिव लेंथेनोइड आयंस आर कलर्ड, इनकरेक्ट है, जरूरी नहीं है साहब, समझ गए, क्योंकि कुछ ऐसे ट्राई पॉजिटिव लेंथेनोइड्स हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो विजिबल रीजन से ट्रांजिशन नहीं होता, नहीं होता तो कलरलेस, ये गलत था इसमें। विच वन, अच्छा ये दे रखा है आपको, डज नॉट एग्री विद वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेट, ठीक है, कौन सा नहीं है, पहला इंक्रीजिंग आयनिक साइज सही है, क्योंकि आइस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, प्रोटॉन चेक करते रहा करो, जिसमें प्रोटॉन कम रहते हैं उसका साइज ज्यादा रहता है, बोरोन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑर्डर, ये भी सही है, बेरिलियम बोरोन से ज्यादा कार्बन का, इससे ऑक्सीजन का, ये एक्सेप्शन था, ये सही है लाइन, क्लोरीन ये आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉन एलिमेंट में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन में सेकंड पीरियड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए पूरा सेकंड पीरियड जो है पी ब्लॉक का वो एक्सेप्शन है, आपको पता है थर्ड की ज्यादा होती है, तो यही गलत है इसके अंदर, यही आंसर था। फिर लिथियम सोडियम मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर रेडिश बढ़ती है, कोई एक्सेप्शन नहीं। इलेक्ट्रोफाइल आर ऑलवेज, अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि जिसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो, आप समझो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होना चाहिए, उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, चाहे एक्सपेंड, बस ये होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल, तो वो न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है, मैं तो कहता हूँ आप ध्यान से देखो, PCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, BF3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, समझ रहे हो मेरी बात, नाइट्रोनियम आयन भी इलेक्ट्रोफाइल है, समझ गए, तो कुल मिलाकर न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो सकती है। क्वेश्चन, कुछ पेयर दे रखा है जिसमें सेकंड मोर स्टेबल होना चाहिए फर्स्ट से, देखो क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, क्वेश्चन 23 इसमें पूछा है आपसे कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, तो देखो एक तो लगा रखा है रेजोनेंस है बेंजाइल कैटायन, जिसमें एक तो सीएल लगा रखा है, एक NO2, अब ध्यान रखना कि NO2 का माइनस एम इफेक्ट होता है जो बहुत स्ट्रॉन्गर है, और इसके अंदर ध्यान से सुनो ये माइनस आई इफेक्ट तो है लेकिन साथ में ये प्लस एम भी शो करता है, इसलिए ध्यान रखें आप,
क्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा बजाय इससे, यानी कि स्टेबिलिटी ऐसे आती, गलत लिखा हुआ है ठीक है। इसमें आपको पता है ठीक वही लाइन, इसमें प्लस एम लिख रखा है इसलिए स्टेबिलिटी इस तरह से। यहाँ देखो ये कौन सा है आपके पास में, सेकेंडरी, हाउ मेनी अल्फा एच, हाउ मेनी अल्फा एच टू, ये भी कौन सा है सेकेंडरी, हाउ मेनी अल्फा एच सिक्स, एंड एन सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये ब्यूटाइल है एन ब्यूटाइल, और ये आइसोप्रोपाइल है, इसके अंदर अल्फा एच चेक करो सेकेंडरी, वो प्राइमरी है, ये कौन सा था प्राइमरी, ये कौन सा है सेकेंडरी, हाउ मेनी अल्फा एच टू, ये सेकेंडरी में कितने सिक्स, ये ज्यादा। अच्छा यहाँ भी देख लो आप, ये कौन सा है टर्सरी, ठीक है स्ट्रेन फ्री रिंग है, वैसे आपको बता देता हूँ कि टर्सरी, और ये कितना लिखा हुआ है सेकेंडरी, कितने अल्फा एच है, तीन दो पांच दो सात, सेवन अल्फा एच यहाँ पर, तीन और दो पांच, एंड हेंस कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ फर्स्ट। तो इसमें पूछा है कि सेकेंड पेयर ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट से, तो आंसर लिखना थर्ड, ये क्वेश्चन था 23। आगे क्वेश्चन 24 दिखाता हूँ आपको, देखो आइडेंटिफाई मोस्ट स्टेबल कार्बन एनायन, एनायन में नेगेटिव चार्ज कम से कम होना चाहिए, तो देखो एक बार ध्यान से इसी को देख लो, जिसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में चला जाएगा मोर स्टेबल, इसी को देखो थर्ड को, जिसमें नाइट्रो लिखा हुआ है, मिथाइल नाइट्रो मिथाइल एनायन, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। क्वेश्चन इनकरेक्ट पोलरिटी, डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग, एच एफ एच बी आर एच सी एल सही लिखा हुआ है ठीक है, मिथाइल फ्लोराइड, और ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है ध्यान से देख लेना, क्योंकि फ्लोराइड का कम होता है किससे, मिथाइल फ्लोराइड से, ये भी सही लिखा हुआ है, एच टू ओ एच टू एस और सीओ टू, सीओ टू का तो जीरो, ये भी सही लिखा हुआ है पोलरिटी। यहाँ पर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइसाइनोबेंजीन, इन दोनों में कंपेयर किया है, दोनों का बराबर होता है, क्योंकि दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना है जीरो, दोनों 180 पर लगे हुए हैं, प्लेनर है मॉलिक्यूल, समझ गए, दोनों को कैसा लिखेंगे आप जीरो, इसलिए कम ज्यादा नहीं, ये जीरो जीरो, ये इनकरेक्ट है केमिकल बॉन्डिंग से। अरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट ब्यूटीन सिस ट्यूब्यूटीन एंड ट्रांस ट्यूब्यूटीन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, आप रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करते हो ना, तो ध्यान रखना इस पर डिपेंड करती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करती है, ध्यान से सुनो, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या है, एक इस तरह से एल्कीन में फोर मेंबर्ड, पाइमोंड तोड़ देना ऐसे, एक फोर मेंबर्ड स्ट्रक्चर बनती है साइक्लिक, ठीक है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं इसको, जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग चेक करनी है आपको ऐसे ऐसे ठीक है। तो एक तो हिसाब आपके पास में फर्स्ट ब्यूटीन, तो फर्स्ट ब्यूटीन में तो सबसे फास्ट क्यों, क्योंकि जो स्टेरिक क्राउडिंग है वो सबसे कम मिलेगी, देखो इस पर तो आपको दोनों एच है, इस पर भी एच, यानी तीन एच हो गए टोटल ठीक है, जिसमें बनेगी एक एच यहाँ पर लगाऊंगा बड़े ग्रुप को, और यहाँ पर एच इसकी, फिर उसके बाद में सिस ट्यूब्यूटीन, सिस ट्यूब्यूटीन पर देखो इधर ध्यान से दो ही एच रहेंगे, एक साइड में जहां पर सिन एडिशन है ये ठीक है, ट्रांसब्यूटीन पर एक ही रहेगा, क्योंकि आपको ट्रांस लिखते समय एक आगे पीछे करना होगा, तो सबसे फास्ट किस में होगी, फर्स्ट में, फिर टू में, और फिर थ्री में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आंसर था थर्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट, विद व्हाट शुड बी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूले ऑफ एल्काइल रेडिकल पॉसिबल ऑन रिमूवल ऑफ एच एटम फ्रॉम आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर लिखो और एक एक एच निकाल के देख लो, तो चार रेडिकल बन जाएंगे, देखो कैसे, देखो ये लिखा साहब ये आइसोपेंटेन, तो एक एच तो यहीं से निकालो, एक बन गया ठीक है, एक रेडिकल, फिर एक एच यहां से निकाल लीजिए दूसरा रेडिकल, फिर एक एच यहां से निकालो टर्सरी ठीक है, और एक इन दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए, दोनों आइडेंटिकल बनते हैं क्लियर, तो चार आंसर बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, आईयूपीएससी नेम, तो ध्यान रखो जो सबसे पहले आता है मल्टीपल बॉन्ड उसको मिनिमम वन टू थ्री फोर फाइव नाम लिखेंगे पेंट, और फिर लिखेंगे सबसे पहले इन को थ्री पर वन पे आइन, पेंट थ्री इन वन आइन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बढ़िया क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म से है, देखिए एप्लीकेशन है एक्चुअल में, ये का आपके पास में एस्टर, देखो ये है इथाइल एसीटेट, देखो सी टू एच फाइव को समझते हो ना, इथाइल एसीटेट है ये ठीक, और एम लिखा रखा है, एल एल एच फोर की क्या खास बात है, वो दोनों को ही यानी एस्टर को रिड्यूस कर देता है और दोनों पार्ट एल्कोहल में बदलता है, तो एक तो बनेगा इस एच एच को एच बॉन्ड करना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इस तरह से, तो दोनों ही आपके पास में इथाइल एल्कोहल बन जाएंगे, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, और इधर भी सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई दोनों इथाइल एल्कोहल, और ध्यान से सुन लो, और एक एन ए बी एच फोर, एन ए बी एच फोर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो एस्टर पर एसिड, मतलब आप समझ लो एस्टर पर और एसिड के जो डेरिवेटिव एसिड वगैरह उनको रिड्यूस नहीं करता, नो रिएक्शन, तो इसकी तो लिखो नो रिएक्शन, और इधर दोनों एल्कोहल, ये लो खत्म। क्वेश्चन नंबर 30, बढ़िया क्वेश्चन मैकेनिज्म से, देखिए और चैप्टरों से भी है,
आइडेंटिफाई करेक्ट चेक करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजनेशन है तो एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा ये सिन एडिशन है, सिन एडिशन है तो दोनों को एक तरफ जोड़ते हैं, सही है ठीक है। अब देखो इधर ये क्या है, ये भी सिन एडिशन है। अब आप ध्यान रखो सी ए आर जैसे मैं याद दिलाता हूँ टी ए एम ठीक है, इसका मतलब है सिस एल्कीन एंटी एडिशन हो तो रेथिमाइजेशन होता है, ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन हो तो मीजो बनता है। अब उल्टा लिखो सी एस एम और टी एस आर, क्या मतलब है सिस एल्कीन और सिन एडिशन हो तो क्या बनता है आपके पास में मीजो। अब उल्टा पढ़ो ट्रांस एल्कीन और सिन एडिशन हो तो रेथिमाइजेशन, सही है। तो इसका मतलब ट्रांस एल्कीन है सिन एडिशन है तो क्या बनेगा रेथिमाइजेशन, दोनों इनकमिंग ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। फिर आपको पता है कि सिन एडिशन है तो दोनों एक साइड जोड़ने, एच एच एक साइड देखने चाहिए तो मिथाइल मिथाइल एक साइड, तो सभी करेक्ट है। बढ़िया क्वेश्चन था क्वेश्चन 30। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 दिखाता हूं देखिए। ये पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है, तो आप ध्यान रखो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए क्या चेक करते हैं, लार्जर साइज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी हाई होनी चाहिए, और क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो आंसर मिथाइल थर्ड ऑप्शन। पैरानाइट्रोफिनोल इज वीक एसिड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये गलत लाइन है आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा से कम हो जाती है। तो लिख रहा है ना पैरानाइट्रोफिनोल इज वीकर एसिड देन, गलत, ऑर्थो से पैरा ज्यादा होता है। दूसरा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थो आइसोमर, ठीक है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है प्रेजेंट इन पैरा, और लिख रहा है कि इंटर उसमें बिटवीन मॉलिक्यूल बनते हैं इसमें विदिन, तो पहला सेंटेंस तो गलत है और दूसरा सही है। एनिलीन ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर कन्वर्ट इनटू, बढ़िया क्वेश्चन है, गलत होने की संभावना है बच्चों की वो बता देता हूँ। जब एनिलीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, ये रही साहब एनिलीन, रूम टेम्परेचर पर कोई हीटिंग वीटिंग नहीं करना तो एसिड बेस रिएक्शन करनी है। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब एनिलीन क्या है मोनो एसिडिक बेस, तो एक एच प्लस आयन को ये गेन कर लेगा और बन जाएगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, कुछ मत करना बस। वो कहता है ऑन हीटिंग करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसके बाद इसका सल्फोनेशन होता है, आपको बता देता हूं। तो गलती जो होने की संभावना है वो मैं बता देता हूं, फिर बाकी ये ज्यूटराइन के टर्म में मिलेगा। सबसे पहले पूछा है कि एनिलीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत कर देना। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड रूम टेम्परेचर इट कन्वर्ट इंटू एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और कुछ नहीं लिखना, नहीं ऑन हीटिंग कोई कहता है तब क्या बनता है पैरामीनो सल्फोनिक एसिड, ठीक। एनिलीन रिएक्शन विद कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट कन्वर्ट, अब बढ़िया क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छा देखो भूल मत जाना ये क्वेश्चन आया हुआ है। एनिलीन का नाइट्रेशन कराया साहब, HNO3 डाल दिया और H2SO4 डाल दिया, वैसे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मैं याद दिलाऊं जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो समझो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी बनती है, ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन पैरा भी बनती है, ये तो बनती है साथ में मेटा बनती है और खूब बनती है, बताता हूँ कितनी बनती है, ये पैरा भी बनती है और तीसरा प्रोडक्ट मेटा बनता है इसमें, मेटा ये बनती है साहब 51% पैरा, ये बनती है 47% और तो बनती है ओनली 2%। रीजन आपको फिर समझा देता हूं कि नाइट्रेटिंग मिक्सर से क्या हो जाता है इसका प्रोटोनेशन, और जब ये प्लस एम इफेक्ट आ जाता है इसमें वो प्लस चार्ज आ जाता है तो माइनस एम सो करता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट ही बनता है सफिशियंट अमाउंट में। तो जब नाइट्रेशन कराते हैं तो सबसे ज्यादा पैरा फिर मेटा और फिर बनती है ऑर्थो। अब देखो जब ये पूछा है इसके इट कन्वर्ट इनटू, ठीक है तो देखो मेनली पूछा है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, तो मेन प्रोडक्ट नहीं है ऑर्थो, कौन सा है मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये इसका, फिर लिखा है पैरानाइट्रो एनिलीन, नहीं लिखा किसी ने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए, गलती मत कर देना, पैरानाइट्रोबेंजीन नहीं पैरानाइट्रो एनिलीन होता हो, ठीक है एनिलीन है हाइड्रोजन भी नहीं, बस आंसर क्या लिखते हैं मेटा नाइट्रो एनिलीन मेन। क्वेश्चन नंबर 35 कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से लिया गया, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो एक बार सिंपल, क्वेश्चन 35 इसका ये था आपके पास में फिनाइल CH2 और COOK, ठीक है एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपको पता है कि इसके अंदर ये पहले तो एनोड पर जाएगा इसलिए चार्ज कम हो जाए, इसका चार्ज बाहर निकल जाएगा ऑक्सीडेशन होगा, फिर होमोलिटिकल फ्यूजन होकर फ्री रेडिकल बनते हैं,
फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर एल्केन बनते हैं, तो ये सी एच टू का फ्री रेडिकल, दूसरा भी ये, तो ये तो इसका बना प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। फिर पूछा है कि विद कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि तो इसके अंदर जो जैसे वाटर था ना, इसके अंदर तो के प्लस पड़ा हुआ है और वाटर में से आप ध्यान रखना एच प्लस आयन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिडक्शन कैथोड पे, इसलिए बेसिक सॉल्यूशन बनता रहता है, क्यूएच बनता रहता है, ठीक है, सही है लाइन। फिर ये प्रोडक्ट ये सही दे रखा है, ये गलत है, टोलुइन नहीं बनती, टोलुइन नहीं बनेगी, एच टू गैस वोल्डन कैथोड, सही, तीसरा आंसर गलत था, इनकरेक्ट ही पूछा है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ केमेन फोर ऑक्सीडाइजेस, सल्फेट को नहीं कर सकता, प्लस सिक्स है, सल्फाइट को कर देता है क्योंकि प्लस फोर में है, सल्फाइट कर देगा, नाइट्रेट को नहीं कर सकता, नाइट्रोजन प्लस फाइव में है, फेरिक को नहीं करता क्योंकि सॉल्यूशन में फेरिक इसकी स्टेबल है तो फेरस में बदलती है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग है, इसे आगे नहीं कर सकता, इसलिए आंसर क्या लिखोगे, सल्फाइट इंटू सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स लिख रखा है, कि बताओ साहब ये आपस में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पर डोनर साइड क्या है, कोबाल्ट के संग एन, और इसके अंदर क्या है एस, तो इसको क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नेक्स्ट, गैसेस इक्वेशन है, ये कैसी रिएक्शन बता रखी है उन्होंने, एंडोथर्मिक, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पॉन्टेनियसली होती है, क्यों, तो स्पॉन्टेनियसली के देखो, अब आप ध्यान से देखो, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये वैल्यू तो उन्होंने फिक्स कर दिया आपको, कहती है ये एंडोथर्मिक का मतलब प्लस वैल्यू है, अब नेगेटिव जब आया, जब इसका जो डेल्टा एस है वो प्लस में आया, ये दोनों ज्यादा हूं, तो डेल्टा एच तो कैसी दे रखी है उन्होंने, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंडोथर्मिक का मतलब, और डेल्टा एस किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन चेक करो जिसमें डेल्टा एच भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच का मतलब पॉजिटिव, और डेल्टा एस का क्या होना बहुत जरूरी है इसमें, पॉजिटिव, तो ऐसी कोई वैल्यू, तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ये रही डेल्टा एच पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन को देखो ध्यान से, डेल्टा एच कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि लिख रखा है उन्होंने एंडोथर्मिक, तो लिख रखा है तो प्लस में आना चाहिए, ठीक है, और डेल्टा एस कैसी है इसके अंदर, पॉजिटिव, और सीधी सी बात है, जब डेल्टा एस पॉजिटिव आएगी और ये भी पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी, इसका मतलब टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तभी पॉसिबल है ये लाइन, तो आंसर सेकेंड, डेल्टा एच एंडोथर्मिक के लिए प्लस में होता है और रिएक्शन में एंट्रोपी दे रखी है अपने को, आंसर क्या लिखेंगे, सेकेंड। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच सो हाइएस्ट लैटिस एंथैल्पी, अब आयनी कंपाउंडों की लैटिस एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है क्यू वन क्यू टू अपॉन आर प्लस और आर माइनस, सबसे पहले चार देखा करो, ठीक है, जैसे इस बेरिलियम पर और इन दोनों पर क्या चार्ज है, टू इंटू टू, फिर साइज देखा करो, तो ऑक्साइड तो सेम है लेकिन बेरिलियम का साइज स्मॉलर है, इसलिए आंसर थर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 को दिखाता हूँ, क्वेश्चन 40, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट एफ ई आयन का दे रखा है इतना, अब इस वैल्यू को समझो आप, आपसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और एन की वैल्यू पूछी है, तो ये कहता है कि अनपेड, इसे निकालते हो ना अंडर रूट एन एन प्लस टू, तो इसका मतलब इसके अंदर फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जब एन की वैल्यू फोर लिखते हो जब ये वैल्यू आती है, और एन की वैल्यू जब फोर जब आएगी अनपेड इलेक्ट्रॉन, जब एफ ई पर क्या चार्ज लिखेंगे आप, प्लस टू, क्योंकि प्लस टू लिखेंगे तो थ्री डी सिक्स में फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसमें दोनों बात पूछे, एक तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोले फोर, बोले आयरन पर क्या चार्ज लिखा जाए प्लस आयन में जिससे फोर हो जाए, बोले प्लस टू लिख दो फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो एक तो पूछा है अनपेड इलेक्ट्रॉन फोर और चार्ज क्या लिखेंगे, प्लस में टू, ये लो साहब। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 41 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है, देखो मैं बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है वैसे, ठीक है, इसका देखो आप ध्यान से, ई सेल इक्वस टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू आप चेक करेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ पर है फोर, ई नोड सेल आपको दे रखा है कितना दे रखा है 1. ये गिवन है ई नोड सेल 1.67, मैं वैल्यू रख रहा हूँ आपको देखते जाओ, माइनस, तो ये तो मैं चलो आगे लिख देता हूँ, एन की वैल्यू हो गई ये, ई नोड की वैल्यू रख देता हूँ, कितनी दे रखी है अपने को 1.67, आगे लिखते हैं, बेस लगा दिया है लॉग, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो इसमें देखो एक तो एफ ई प्लस टू है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ई प्लस टू की जो भी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखे है उसका स्क्वायर, बस बाकी वाटर है लिक्विड है उसकी यूनिट ली जाती है, फिर आगे लिखेंगे प्रेशर, प्रेशर गैस है तो उसका प्रेशर ऑफ ओ टू वो भी दे रखा है, ठीक है, और लिख रखा है एच प्लस आयन, तो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर कितना लगाएंगे आप, फोर, पावर फोर, अब मैं लिखता हूं देखो इस लॉग को, लॉग वाली वैल्यू को समझाता हूँ, एफ ई की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको इस क्वेश्चन में गिवन है प्लस माइनस थ्री, तो यहाँ लिखेंगे 10^-3 का स्क्वायर, तो ये हो गई 10^-6, ठीक है, नीचे
प्रेशर ऑफ ओ2 दे रखा है 0.1, लो जी यहाँ प्रेशर ऑफ ओ2 0.1, और पीएच कितने दे रखी है सॉल्यूशन में 3, इसका मतलब एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 10^-3, उसका क्या करना है आपको 4 टाइम, तो ये हो गया 12 और एक 13, ऊपर है आपके पास में 6, तो ये वैल्यू हो गई लॉग 10^7, ये था 10^-6 और नीचे हो रही है 10^-12 और एक 13, समझ गए, तो कितने हो जाएगी 10^7, और जब इसका लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो आप क्या करना इस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, 0.06 लिख लिया करो रफली, 7 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, चेक कर लेना फोर्थ आंसर, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखा रहा हूं 42, हाउ मेनी, क्वेश्चन 42 को देखो सिंपल, हाउ मेनी एल्किन आर पॉसिबल, एल्किन इंक्लूडिंग स्टीरियोसोमर्स ऑफ दिस, तो 4 एल्किन लिख सकते हो, पहली फर्स्ट ब्यूटीन स्टीरियो में लिखूंगा तो 2 ब्यूटीन के 2 बनाऊंगा, 2 ब्यूटीन के 2 बनाऊंगा, एक तो सिस ट्यूब्यूटीन और एक ट्रांस ट्यूब्यूटीन और एक बनाऊंगा आइसोब्यूटाइलिन, 4 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें मैच द करना था, एक तो ऑक्टेटल इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, देखो तो यहाँ पर निकल का कैसा है स्क्वायर प्लेनर, फर्स्ट का आंसर क्या था लिखेंगे बी, दूसरा क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को ऑक्टेडल, ठीक है सिल्वर का लीनियर, ठीक है 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पेटोलेंस और ये टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होता नहीं तो sp3 बनता है, ठीक तो ये मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 44 सबसे पहले क्लीमेंसन रिडक्शन, ध्यान से देखो क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन बदल जाते हैं इसलिए एसआई, फिर एनबीएस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बीथाई, फिर एल्कोहलिक एसिड से क्या कर देना एक HCl HBr बाहर निकाल देना डबल बॉन्ड आ जाएगा स्टायरीन, और फिर क्या करना है HCl के रिएक्शन परोक्साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग कर देना, तो डी भी सही ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना, परोक्साइड किस पर डिपेंड करता है इफेक्ट डालता है HBr पर HCl पे नहीं अदर पे नहीं, फिर लिख रखा है विच हैज हायर बॉन्ड एंगल, तो SF2 हाइब्रिडाइजेशन देखते जाओ लीनियर वो क्या बोलते हैं बेंड टाइप स्ट्रक्चर है sp3 तो 109 से कम आएगा, ठीक है NO2 इस पे भी sp और sp2 के बीच का है इसलिए 136 के आसपास है, ठीक है XeF2 लीनियर है 180 का है sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन जो लॉन पेयर है वो कहाँ लगे हुए हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर 180 एग्जैक्ट यही आंसर, OF2 में भी आपको पता है ये भी एंगुलर है बॉन्ड एंगल 109 से कम, तो आंसर क्या लिखेंगे XeF2, ठीक है क्वेश्चन 45 ये हो गया, वो मैंने आपको आंसर की डाल दी, बंद कर रहा हूँ आप इसको चेक करते रहो, ओके बाय।